एक और तो ये तय कर दिया है रोहित जी की वो जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो हथियार हैं, जो हवाई हमलों को नाकाम करें उनकी एक बड़ी खेप बहुत जल्द वो यूक्रेन पहुंचा देगा। उन सब के बीच में एक दूसरा पहलू ये कि अगर न्यूक्लियर अटैक की सिचुएशन आती है तो फ्रांस उसमें कहीं से शामिल नहीं रहेगा। इन दोनों बातों को एक साथ करके आपका विश्लेषण। देखिए ऐसा है, अगर ज्यादा उकसाएंगे और ये वॉर खिंचा जिस कैजुअलिटीज ज्यादा हो जाए रशिया की, मैं समझता नहीं हूँ कि होने वाली है, बट अगर हो जाए, अगर वो स्तर आए और अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन रशिया ने अगर फायर भी किया, आप मुझे बताइए किस क्षमता से नेटो कंट्रीज या P5 के बाकी तीन कंट्रीज, चाइना तो करेगा नहीं, किस तरह से वो न्यूक्लियर हमला बोलेंगे रशिया के ऊपर। कोई क्षमता नहीं है, कोई प्रणाली नहीं है, ये बातें हैं। और मैं समझता हूँ कि पुतिन ने जो अभी तक किया है वो कोलैटरल डैमेज को मिनिमम रखने के लिए लड़ाई लड़ी है अभी तक के लिए, और मैं नहीं समझता कि वो किसी बचकानी हरकत में कोई बड़ा न्यूक्लियर अटैक करेंगे यूक्रेन पे, कोई जरूरत ही नहीं है। और दूसरा, जो 8 महीने उन्होंने पहल की है ये नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में यूक्रेन के, मैं समझता हूँ हथियारों के अलावा जो उन्होंने बोलचाल की है वहाँ के लोकल से, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से, वो ज़्यादा प्रभावी है, जिसने उनको वो बल दिया है कि जो एनेक्सेशन का उन्होंने ऑर्डर निकाला है वो पूरा सिविल मिलिट्री असेसमेंट करने के बाद। और जहां तक न्यूक्लियर का सवाल है, मैं नहीं समझता कि जो नेट असेसमेंट है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का वो नेटो के पक्ष में आज है और कोई देश करेगा ऐसी पहल। तो बोलना आसान है, बट जो इनिशिएटिव है जो सीज किया है पुतिन ने, मैं समझता हूँ ऑपरेशनल इनिशिएटिव आज भी पुतिन के हाथ में। मैं समझता हूँ कि जो ये एनर्जी क्राइसिस करके जो अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने का जो ताकत अमेरिका ने बनाया है, डॉलर का जो उन्होंने अपनी उन्नति की है, उसको देखते हुए अमेरिका पे प्रेशर आएगा इस साल और अगले साल कि किस तरह से वो नेटो और यूरोप के सहयोगी देश को वो दे पाएंगे जो वो पहले रशिया से ले रहे थे। तो मैं समझता हूँ कि ये भी लड़ाई सिर्फ मिलिट्री रेल में नहीं, ये इकोनॉमिक रेल में, एनर्जी रेल में ज़्यादा जाएगी और वो दोनों जो पहलू हैं वो डिक्टेट करेंगे। आपने बताया काफी अत्याधुनिक हथियार का यूज कर रहे हैं अभी जो दे रहे हैं यूक्रेन को। बिल्कुल, आप टिपिकल समझिए किस तरह से जो डिफेंस इंडस्ट्री है खासतौर पे यूएस की, वो किस तरह से अपने नए वेपन सिस्टम्स को इनोसेंट बैटल ग्राउंड्स पे यूज करती है। तो ये थोड़ी क्षमताएं हैं, मैं नहीं समझता कि ये मिसाइल्स ऐसी तादाद में देने वाले हैं कि पूरी लड़ाई को जीत ले। ये सिर्फ एक बैटल ग्राउंड एक्सपेरिमेंट है, ये चल रहा है, बट मैं समझता हूँ इसका हल आएगा। और एक बात और बोलना चाहता हूँ, आज तक चीन को छोड़ दीजिए, बाकी जो 3 P5 के मेंबर्स हैं और खास तौर पे जो बाइडन, उन्होंने एक बार भी बोला है कि वो व्लादिमीर पुतिन से मॉस्को में जाके पीस लाने की गुहार करेंगे, आज तक किसी ने नहीं बोला। तो एक हवा बनाया हुआ है कि पुतिन से बात नहीं हो सकती, और इस हवे के बीच में दोनों तरफ पुतिन अपना स्टेटेड एम पे चल रहे हैं और जो बाकी स्ट्रेटेजिक जो गेम खेली जा रही है विद नेटो फोर्सेस एंड टू इन्फ्लुएंस अदर जियोपॉलिटिकल माइंड्स, वो खेल रहा है अमेरिका। तो मैं समझता नहीं हूँ कि किसी के दिल में है इसको रोकने का। तो ये डेनिस साहब, ये जो दूसरा राउंड है जिन बातों का जिक्र रोहित जी कर रहे हैं कि किस तरीके से ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर या फिर किस तरीके से जो इकोनॉमिकल क्राइसिस को क्रिएट करने की कोशिश और उसमें अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत कर लिया जाए, मान ले कि ये जो दूसरा राउंड है इसी दोनों बातों के इर्द गिर्द है। क्योंकि जो अटैक मिसाइल अटैक किए हैं रशिया ने, आप देखिए सबसे ज़्यादा वो पावर प्लांट्स पर टारगेट किए गए हैं। आगे आने वाली सर्दियां हैं, उन सर्दियों में किस तरीके से लोगों को दिक्कत हो और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कैसे इस बात पर सोचने के लिए मजबूर हो जाए, एक पहलू ये है। जो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, चाहे वीजा दफ्तर हो या फिर जो दूसरे प्रतिष्ठान हैं, ठीक है वो भले दूसरी जगह शिफ्ट किए जा चुके हैं, उन इमारतों को टारगेट किया गया है। तो ये दोनों बातों के इर्द गिर्द जो बातें कह रहे हैं रोहित जी, उन्हीं को ये सेकंड करती हैं। जी बिल्कुल, अभी जैसे रशिया का जो स्ट्रैटेजी है वो वापस जो मिसाइल मॉनसून्स कर रहे थे, जो मिसाइल की बरसात जो हो रहे थे, जिस तरह से फरवरी 24 को उन्होंने शुरू की थी मिसाइल्स के फायर करते शुरू की थी, वही उसी स्ट्रैटेजी पे वापस।